What is given in this question? The average age of 15 students. Okay? The average age of 15 students in a class. The average age of. Okay, chalo. सेवनटीन बच्चे कह रहे हैं सर आई एम सॉल्विंग. ठीक है, तो मैंने बच्चों को बताया कि कभी भी अगर आपको एवरेज दिया हो, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स कितना दिया है, 19 इयर्स. ठीक है, तो आप यहाँ से सम निकाल लो. तो सम ऑफ एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, ठीक है, अपॉन 15 इज इक्वल टू 19 हो जाएगा. और यहाँ से सम ऑफ एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स आ जाएगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. दैट विल बी नथिंग बट 19 इंटू 15. ओके, 19 इंटू 15 कितना आ जाएगा? हाँ, 19 इंटू 15 कितना कैलकुलेट करो. द सम विल बी 19 इंटू 15. वेरी गुड. हाउ मच? 19 इंटू 15 इज हाउ मच? थ्री हंड्रेड से 15 कम कर दो, 285. वेरी गुड, इट विल बी 285. ठीक है, ओके. अब आपसे क्या कह रहा है, व्हेन फाइव न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड टू द क्लास द एवरेज एज ऑफ द क्लास बिकम्स 18.5 ईयर्स. ठीक है, अब आप पांच स्टूडेंट्स और ऐड कर रहे हो. ठीक है, सो द एवरेज ऑफ नाउ 20 स्टूडेंट्स, द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, ओके, इज इक्वल टू हाउ मच? अब एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स दिया है 18.5 ईयर्स. ओके, फिर से मैं सम का फॉर्मूला यूज करूंगा. एवरेज इक्वल टू, यहां पर मैं इसको सेग्रीगेट करूंगा, सम ऑफ एज ऑफ 15 प्लस सम ऑफ 5 जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अपॉन 20 इज इक्वल टू 18.5. ओके, तो यहां से आ जाएगा सम ऑफ 15. मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, सम ऑफ 15 की वैल्यू कितनी है, 285 प्लस सम ऑफ 5 न्यू, ये हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 18.5 इंटू 20. अच्छा, 18 इंटू 5 इंटू 20 विल बी हाउ मच? ठीक है, तो यहां से आ जाएगा सम ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स. ओके, दिस विल गोइंग टू बी हाउ मच? ओके, वेरी गुड, 370. दिस विल बी 370 माइनस 285. ठीक है, 18.5 इंटू 20 विल गोइंग टू बी 370. वेरी गुड. और सम ऑफ, और 370 माइनस 285 विल बी हाउ मच? तो यहाँ से आ जाएगा सम ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स विल बी हाउ मच? 370 माइनस 285 हाउ मच? 85. वेरी गुड, कितना आ गया, 85. ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 5 न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट. अरे, इनका, इन पांचों का एवरेज निकालना है बस. ठीक है, तो एवरेज ऑफ 5 विल बी इक्वल टू सम ऑफ 5 न्यू अपॉन 5. सो 85 अपॉन 5, सो 5 वन्स आर 5 एंड 5 सेवन्स आर 35, सो 17 इयर्स विल बी द राइट आंसर. ओके,